हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने अमेरिकन लिटरेचर को कंप्लीट रिवाइज किया था और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अफ्रीकन लिटरेचर के बारे में। देखो, अमेरिकन लिटरेचर में जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर थे, उनके जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स थी, उन सबको मैंने डिस्कस किया था। आज ऐसे ही हम अफ्रीकन लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, जहां से नेट के एग्जाम में कुछ एक दो राइटर तो ऐसे हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो दो तीन राइटर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको उनकी बुक्स पढ़नी है। उसके साथ साथ ही कुछ माइनर राइटर्स भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अफ्रीकन लिटरेचर को। सबसे पहले अगर हम अफ्रीकन लिटरेचर की बात करें तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर आते हैं हमारे चिन्वा एचबी। चिन्वा एचबी ने अफ्रीकन ट्रायलॉजी लिखी है, जिसमें तीन बुक्स है, थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर एट ईज और एरो ऑफ गॉड। ये आती है अफ्रीकन ट्रायलॉजी में। ये जो पहली बुक है थिंग्स फॉल अपार्ट, 1958 में इसको लिखा गया था और ये ओकोंको की लाइफ के बारे में है। एक इग्बो मैन है ये। देखिए, सबसे ज्यादा इसकी जो बुक्स है चिन्वा एचबी की, वो इग्बो नाम की जगह पे ही इसकी सेटिंग रखी गई है, ये ध्यान रखना। जैसे आर के नारायण का फिक्शनल टाउन मालगुडी है, ऐसे ही चिन्वा एचबी का जो फिक्शनल जो जगह है जहां पे इसने अपने वर्क्स को सेट किया है, वो इग्बो है। ठीक है, तो इसमें ओकोंको की कहानी है। ये ओकोंको का फादर है इसमें उनोका, और नवोए एक सन है। इकेमेफ्यूना भी इसका सन है, लेकिन रियल सन नहीं है, वो किसी एक मेबिनो ट्राइब से था। इनके गांव वाले थे, उनके कुछ एनिमीज थे, उस ट्राइब में से ये लड़का था इकेमेफ्यूना। तो जब ये लड़का 18 साल का हो जाता है तो वो गांव से एक एल्डर आता है ओकोंको से मिलने। वो ओकोंको को बोलता है कि तुम्हें इकेमेफ्यूना को मारना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे खुद के अपने ट्राइब से नहीं है ये, और तुम इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये तुम्हारे पास काफी लंबे टाइम तक रहा है, तो तुम्हारी अटैचमेंट इससे हो गई है, तुम हमें इसको सौंप दो, हम इसको मार देंगे। तो यहाँ पे ओकोंको को लगता है कि ये जो बुजुर्ग है, ये मेरी मर्दानगी पे सवाल उठा रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं इसको खुद ही मार दूंगा, और वो इस इकेमेफ्यूना को मार देता है। मारने के बाद कुछ टाइम बाद उस एल्डर मैन की डेथ हो जाती है, और उसके फ्यूनरल पे ओकोंको की बंदूक चल जाती है, जिससे उस एल्डर मैन के बेटे की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इसको एग्जाइल कर दिया जाता है। 7 साल से इसे 7 साल के लिए इसको गाँव से बाहर निकाल दिया गया। जब ये वापिस आता है, देखता है कि गांव में जो क्रिश्चियन जो लोग हैं वो आ गए हैं, कॉलोनियल टाइम शुरू हो चुका था, गांव में चर्च वगैरह बना दिए थे, तो बहुत कुछ बदल चुका था। तो इसने ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई हम एज ए स्लेवरी, इसने मना कर दिया कि हम स्लेव बनकर नहीं रहेंगे। इसके जो खुद के जो ट्राइब के लोग थे, उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। ठीक है, जिसकी वजह से अफ्रीका जो है वो किस तरह से गुलाम हो गया था, वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। इसने बिहेड भी कर दिया था जो भी पुलिस वाला गाँव में सबसे पहले आता है, और बाद में ये ओकोंको खुद को फांसी लगा लेता है। ये पूरी स्टोरी मैंने बताई हुई है, वीडियो है इस पे प्रॉपर, एक आपको मिल जाएगी, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है चिन्वा एचपी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट की। उसके बाद है नो लॉन्गर एट ईज। इसका टाइटल लिया गया है जर्नी ऑफ मागी टी एस एलियट से। ये भी ओबी ओकोंको की कहानी है। ओबी ओकोंको एक एजुकेटेड मैन है जो कॉलोनियल टाइम पे अपना गांव को छोड़कर शहर में पढ़ने के लिए चला जाता है ब्रिटेन में, और वापस आकर ये जो नाइजीरियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर लेता है कॉलोनियल टाइम पे, और बाद में ब्राइब के टाइम ब्राइब लेते हुए ये फंस जाता है। तो यहाँ पे इसमें कल्चर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, जो नाइजीरियन कल्चर है उसके बीच में, जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल है उसके बीच में। ये है एरो ऑफ गॉड। उसके बाद है ए मैन ऑफ पीपल, सॉरी नो लॉन्गर एट ईज थी ये, एरो ऑफ गॉड है, जिसमें इजुलू नाम का एक प्रिस्ट है सेवरल इग्बो विलेजेस में। तो ये किस तरह से कॉन्फ्रंट करता है जो गांव के आपस में जैसे कुछ झगड़े वगैरह होते हैं, तो उनको लेकर ये इजुलू जो है उनका रिजोल्व करता है, उसके बारे में ये स्टोरी। ये भी वैसे कॉलोनियल टाइम पे सेट की गई है। नेक्स्ट है फिर ए मैन ऑफ पीपल, ए मैन ऑफ द पीपल फोर्थ नॉवल है ये। इट फॉलोज द स्टोरी टोल्ड बाय ओडिली, ए यंग एंड एजुकेटेड नरेटर। ये ओडिली है जो कहानी सुनाता है। इसमें नांगा एक चीफ टीचर है और ओडिची स्टूडेंट है। ये नांगा ट्रेडिशनल कस्टम्स को रिप्रेजेंट करता है, और ओडिची जो है वो जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये स्टोरी है ए मैन ऑफ पीपल की। उसके बाद है एंट हिल्स ऑफ स्वाना। इन इट एचबी डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सिचुएशन थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ थ्री फ्रेंड्स। तीन फ्रेंड्स की हेल्प से ही ये
इसमें एचबी ने डिस्क्राइब किया है पॉलिटिकल सिचुएशन को कि पावर जो है वो किस तरह से काम करती थी। क्रिस ओरिबो है जो कमिश्नर है, बेट्राइस ओको जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, और इकेम ओसीडी एक न्यूज़पेपर एडिटर है। इसमें सैम एक लीडर है, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर, बहुत पावरफुल लीडर है ये। तो जब ये इकेम ओसीडी एक न्यूज़पेपर एडिटर होता है, वो जो पॉलिटिकल लीडर है वो किस तरह से कितने भ्रष्ट हैं, लोगों को किस तरह से उनका शोषण करते हैं, वो सारी चीजें अपने न्यूज़पेपर में दिखाता है वो, ठीक है, इस तरह की न्यूज जो है वो छापता है। तो ये बहुत बार सैम उसको मना करता है कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो ये नहीं मानता, तो सैम इसको मरवा देता है लास्ट में। तो बाद में सैम की भी जो सच्चाई है वो रिवील हो जाती है, ये भी मर जाता है। तो ये कहानी है एंट हिल ऑफ स्वाना की। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट राइटर है वोल्सोयेंका, जिसको 1986 में नोबेल अवार्ड भी मिला है, और इनकी एक बुक है द लॉयन एंड द जूल 1959 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टोरी आपको पढ़नी है, बोरोका के बारे में है। द लॉयन फाइट विद मॉडर्न लाकुले से ये लड़ता है, और द राइट टू मैरी, ये इस सीडी से शादी करना चाहता है जो कि ज्यूवेल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर कोंगीज हार्वेस्ट, इट इज अबाउट द पावर एंड पोजिशन, ये भी पावर एंड पोजिशन के बारे में है, कॉलोनियल टाइम पे। कोंगी इसमें न्यू लीडर है एंड ओबोडेनोला ओल्ड लीडर है। इसमें सेगी जो है वो ओल्ड गर्लफ्रेंड थी, ये यहाँ पे कोंगी आएगा, ओल्ड गर्लफ्रेंड है ये कोंगी की, और ये ओबोडेनोला है यहाँ पे, ठीक है। अब ये गर्लफ्रेंड है इसकी, तो ये पावर के बारे में और पोजिशन के बारे में बात की है कोंगीज हार्वेस्ट में। नेक्स्ट ए डांस ऑफ द फॉरेस्ट, इट वॉज प्रेजेंटेड एट द नाइजीरियन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन, नाइजीरिया जब इंडिपेंडेंट हो गया था उसके सेलिब्रेशन में ये प्ले जो है वो परफॉर्म किया गया था, ए डांस ऑफ द फॉरेस्ट। उसके बाद टेलीफोन कन्वर्सेशन लिस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टाइटल करना है आपको, डांस ऑफ द फॉरेस्ट का भी सिर्फ टाइटल, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वैम्प ड्वेलर्स, इट फोकस ऑन द स्ट्रगल बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू वेज ऑफ लाइफ इन अफ्रीका, अफ्रीका में नए तौर तरीके रहने के और जो पुराने तौर तरीके थे रहने के उनके बीच में स्ट्रगल दिखाया गया है स्वैम्प ड्वेलर्स में। देन इसके बाद है डेथ एंड द किंग हॉर्समैन, ये भी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको टाइटल करना है। उसके बाद दूसरा, ये तीसरा राइटर है वैसे तो, लेकिन अफ्रीकन लिटरेचर में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है, वोल्सोयेंका से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एनगुगी वोथियंगो, या गुगी वोथियंगो भी बोलते हैं इसको। ये पहला वर्क है इसका ब्लैक हर्मिट, द ब्लैक हर्मिट, उब्रू नाम के ट्राइब पे में सेट किया गया है। मेन प्रोटैगनिस्ट है इसमें रेमी आएगा, ये रेनी नहीं है, और जेन जो इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी वाइफ होती है थोर्निंग, जो सुसाइड कर लेती है। इस पे भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वो समरी आप वहां से पढ़ लेना। इसमें ये जो रेमी है ये फॉरेन कंट्री में चला जाता है, ब्रिटेन चला जाता है हायर एजुकेशन के लिए। ये अपने ट्राइब में पहला एक ऐसा लड़का था जो किसी यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई करता है। इसमें जो इसकी वाइफ होती है थोनी, वो सुसाइड कर लेती है लास्ट में, ये स्टोरी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वीप नॉट चाइल्ड भी इंपॉर्टेंट है 1964 में, इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। ये माओ रिबेलियन पे है अगेंस्ट रेसिज्म, इसमें सीक्रेट लीडर जो है वो बोरो है और फादर है नोगोथा। बोरो इन्वॉल्व इन द मर्डर एंड किल्ड समबडी, ये बोरो एक मर्डर में इन्वॉल्व होता है और ये किसी को मार देता है। इसके फादर को सब कुछ पता होता है लेकिन वो रिवील नहीं करता, और जितना मतलब जो भी इसका क्लेम था ना वो खुद पे ले लेता है कि मैंने इसका मर्डर किया है अपने बेटे को बचाने के लिए, राइट। इसमें एक जोमो केनेटा रिवील करता है कि उसका मर्डर किसने किया था, जिसकी वजह से उसके फादर और उसके बेटे दोनों को टॉर्चर किया जाता है उस टाइम पे। फिर वो उसका फादर जो है वो सारा का सारा जो भी उसने क्राइम किया था वो अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने इसका मर्डर किया है। उसके बाद नेक्स्ट द रिवर बिटवीन, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ टू नेबरिंग विलेज ऑफ केन्या कॉज्ड बाय डिफरेंस इन फेथ। इट टेल्स अबाउट द स्ट्रगल ऑफ ए यंग लीडर वायाकी, ही इज इन लव विद मुथोनी। वायाकी जो है वो मुथोनी से प्यार करता है और वो बेटी थी जोशुआ की, जोशुआ एक क्रिश्चियन लीडर है, तो ये इन दोनों की, बट ये नहीं चाहता कि वायाकी और मुथोनी दोनों की शादी हो, तो ये इन दोनों के बीच में रिवर है, रिवर बिटवीन। जोशुआ यहाँ पे रिवर को रिप्रेजेंट करता है जो दोनों के बीच में एक
नदी बनकर खड़ा है, ठीक है। उसके बाद है पेटल्स ऑफ द ब्लड टाइटल टेकन फ्रॉम द स्वैम्प, ये लिखा है डायरेक्ट वेलकोट ने। बुक बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग फोर मेन कैरेक्टर, इसमें चार मेन कैरेक्टर हैं, मुनीरा जो एक स्कूल टीचर है, अब्दुल्ला एक जिसकी एक बार है, एक बार चलाता है, और वांजा उस बार में मेड है। इस वांजा के बहुत सारे अफेयर है, इन सबके साथ ही इसके अफेयर चल रहे हैं, और करेगा असिस्टेंट है इसके साथ भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन यहाँ से पहले पूछा गया है कि इस बार में एक ड्रिंक सर्व की जाती थी, उस ड्रिंक का नाम बताइए क्या है, और वो ड्रिंक थी टैंगेटा, ये ड्रिंक का नाम था, ठीक है, आपको याद रखना है, स्टोरी इसकी पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ए ग्रेन ऑफ वीट, इट डील्स विद सेवरल स्टोरीज ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन केन्या, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, फोकसिंग ऑन क्वाइट मुगो, इस पे ये फोकस करता है। जब इमरजेंसी लागू हुई थी केन्या में, स्ट्रगल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के ड्यूरिंग, उस टाइम पे इस बुक को सेट किया गया है। इसको भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक समरी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चार ऐसे आपको याद रखनी है, इसमें डी कॉलोनाइजिंग द माइंड द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर और फेयरवेल टू इंग्लिश, ये सब टाइटल है इसका, द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर और फेयरवेल टू इंग्लिश, डी कॉलोनाइजिंग द माइंड। अब यहाँ पे एनगुगी वो थियोंगो ने क्या बोला है कि ये जो लोग हैं, जो अंग्रेज लोग थे, इन्होंने सबसे पहले यहाँ कर क्या किया था, लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी शुरू की थी, ताकि ये लोग कम्युनिकेट कर सके, हमारे साथ काम कर सके, कोऑपरेट कर सके। तो ये कह रहे कि इस तरह से इन्होंने हमें डीकोलोनाइज किया है, हमारे माइंड को डाइवर्ट करके हमें गुलाम बनाया है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंग्लिश जो है, देखो यहाँ पे फेयरवेल टू इंग्लिश है इसका सबटाइटल, कि इसको फेयरवेल करो, इंग्लिश डिपार्टमेंट को रिमूव कर दो, जो अफ्रीका है यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में अलग से डिपार्टमेंट इसका नहीं बनाया जाना चाहिए, और ना ही किसी तरह का लिटरेचर इस लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। पहले तो एनगुगी वो थियोंगो भी अपनी ही लैंग्वेज में, अपने डायलेक्ट्स में लिखते थे, लेकिन बाद में इन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया था। इसके अंदर चार ऐसे हैं, द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर, द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन थिएटर, द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन फिक्शन, और द क्वेस्ट ऑफ रेलेवेंस, ये चार ऐसे हैं, पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो चारों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। देन उसके बाद बेन ओक्री, द फेमिस्ट रोड, बुकर अवार्ड मिला है 1991 में इस बुक के लिए, बेन ओक्री को, फेमिस्ट रोड के लिए। इसमें कैरेक्टर है अजारो, एक स्पिरिट चाइल्ड है जो कि इस वर्ल्ड को ट्रांसलेट करना चाहता है मॉर्टल टू इमॉर्टल, मॉर्टल से नश्वर से क्या बोलते हैं इसको, इमॉर्टल को अमर, अमर बनाना चाहता है। तो सिर्फ कुछ खास नहीं है इसमें भी, यही पढ़ लेना इसका बैन नौकरी का, हाँ यही इंपॉर्टेंट है, फेमिस्ट रोड, क्योंकि इसको बुकर अवार्ड भी मिला है, तो इसकी बेसिक समरी देख लेना। सॉन्ग ऑफ एंचेंटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइटल, इनफाइनाइट रिचेज, ये भी सिर्फ टाइटल। उसके बाद नेक्स्ट है बुची इमाजिटा, ब्राइड प्राइस लिखा है, इसमें मां ब्लैकी और एजिकल, ये मां ब्लैकी जो है एजिकल की वाइफ है, एजिकल की इसमें डेथ हो जाती है, डेथ के बाद ये ओकोंकुओ से शादी कर लेती है, ठीक है, और ओकोंकुओ से फिर इसके बच्चे होते हैं अकुना और नंदो, ठीक है, ये दो बच्चे हैं। अकुना बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है जो कि प्यार करती है चीके से, चीके एक पुअर टीचर है, बहुत ही गरीब टीचर है ये, और ये इससे शादी करना चाहती है, लेकिन ये जो ओकोंको था ये ब्राइड के लिए हाई प्राइस मांगता है कि जो भी इससे शादी करेगा मैं उससे बहुत बड़ी कीमत लूंगा, लेकिन वो तो बेचारा गरीब था। लेकिन अकुना को इसी बीच किडनैप कर लेता, ये ओकोनोसी, ओकोबोसी आएगा यहाँ पे, ये किडनैप कर लेता है इसको, तो इसको फिर रेस्क्यू करता है ये चीके, और दोनों भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, और इस अकुना की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग इसकी डेथ हो जाती है। ये कहानी है ब्राइड प्राइस की। उसके बाद है जॉय ऑफ मदरहुड, इसमें प्रोटैगनिस्ट है ईगो, दो बार शादी हुई है इसकी, अमांटा कुरु के साथ और ननाइफी के साथ, और इसका जो शुरू में बेबी होता है उसकी डेथ हो जाती है,
लेकिन ईगो यहाँ पे इसका देखो क्यों नाम दिया गया है। बाद में ये लड़का ही चाहते हैं कि लड़का हो, लेकिन इसका कोई लड़का नहीं हुआ, नौ बच्चे हुए, नौ की नौ लड़कियां थी, इसीलिए इसका यहाँ पे ईगो जो है वो नाम दिया गया है इस कैरेक्टर को। नेक्स्ट है नाडाइन गोर्डिमर, ये फर्स्ट वाइट वुमेन है, वाइट वुमेन राइटर जो ब्लैक लोगों के बारे में बात करती है। इसको नोबल अवार्ड मिला है 1991 में और बुकर अवार्ड मिला है 1974 में। इनकी एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है द कंजर्वेशनिस्ट, इसमें मेन कैरेक्टर है मेहरिंग जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और ये अपनी लाइफ से फिर भी संतुष्ट नहीं है। इसका एक बेटा है टेरी, उसका भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसके जो जो भी वर्कर्स थे या जो भी सोसाइटी में जो लोग थे वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। तो इसकी और इसकी वाइफ होती है वो भी इसको छोड़कर अमेरिका चली गई थी। तो इसको लगता है कि अब मेरी लाइफ जो है इतना पैसा होने के बाद भी बेकार है, वो मीनिंग ढूंढता है लाइफ अपनी लाइफ के बारे में। मेहरिंग इसमें 400 एकड़ लैंड भी खरीद लेता है, बहुत बड़ा फार्म होता है वहां पे, जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भी इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। तो एक दिन क्या हुआ, उनको इसमें एक कैरेक्टर है जैकोबस जो कि ब्लैक सर्वेंट है, इनके खेत में ही काम करता है। इसको एक दिन एक डेड बॉडी मिलती है, एक ब्लैक मैन था उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो उसकी डेड बॉडी के बाद जब पुलिस वगैरह देखती है तो वो कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं करते कि बॉडी किसकी थी। मतलब यहाँ पे इंसान की डेथ हो जाती है उसके बाद भी मतलब उसका ढंग से उसका फ्यूनरल नहीं किया जाता, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। तो इसको लगता है मेहरिंग को कि हो सकता है ऐसा मेरे साथ भी हो, तो ये इतना पैसा है, इतना बड़ा फार्म है, ये क्या काम आएगा। तो फिर लोग उसको प्रॉपर तरीके से बरीड करते हैं, ठीक है, दफनाते हैं उसको दोबारा से। फिर पहले ही एक बार वो क्या हुआ था, एक बार फ्लड आई थी वहां पे, बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से उसकी डेड बॉडी जो है वो सरफेस पे आ गई थी, फिर उसको प्रॉपर बरियल दिया गया। तो यहाँ पे ये सोचता है मेहरिंग कि हो सकता है ऐसा मेरे साथ भी हो, इतनी सारी जमीन जायदाद है, पैसे है, ये क्या काम आएंगे। तो इस बुक में ये लाइफ के बारे में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता है। ये है स्टोरी कंजर्वेशनिस्ट की। नेक्स्ट है फिर बर्गस डॉटर, ये पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल नॉवल है। उसके बाद जुलाइज पीपल, माई सन्स स्टडी, द लाइंग डेज, पिकअप, गेट ए लाइफ। इसमें इंपॉर्टेंट जो स्टोरी है वो कंजर्वेशनिस्ट है और बर्गस डॉटर, ये दो, और एक जुलाइज पीपल। इन दोनों की सिर्फ बेसिक और ऊपर वाली आप पढ़ लेना, क्योंकि इसको बुकर अवार्ड भी मिला है 1974 में, ठीक है। आगे चलते हैं फिर चिमांडा अडीचे। चिमांडा अडीचे इसने लिखा है पीपल हेबिस्कस। इसमें कैरेक्टर है यूजीन और बियट्राइस, और इसका एक बेटा है जाजा और कंबाली डॉटर है। बियट्राइस जो है वो यूजीन को मार देती है, ये जो इसका अपना हस्बैंड है इसको मार देती है और इसको जहर दे दिया जाता है। लेकिन जाजा जो है वो ब्लेम ले लेता है अपने ऊपर कि जो मेरा फादर है इसकी डेथ मैंने, इसको मैंने मारा है, ना कि बियट्राइस ने, मेरी मदर ने। तो ये ब्लेम ले लेता है अपने ऊपर। ये इस फैमिली की कहानी है। उसके बाद है हाफ ऑफ द येलो सन। द नोवल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग नाइजीरियन सिविल वॉर। द इफेक्ट ऑफ द वॉर इज शोन थ्रू द रिलेशनशिप ऑफ फाइव पीपल। पांच लोगों की हेल्प से या पांच लोगों के रिलेशनशिप से नाइजीरियन सिविल वॉर के जो इफेक्ट हुए थे उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। उगवू, इसी के साथ नोवल स्टार्ट होती है, इसी के साथ नोवल खत्म होती है। देन है ओडिनिकबो, ये प्रोफेसर है मैथमेटिक्स का, और ओलाना, ये इलॉजिकल ब्यूटीफुल यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है, और केनी ओलाना की ये ट्विन है इसकी, और रिचर्ड चर्चिल जो एक इंग्लिश राइटर है इस कहानी में, हाफ ऑफ द येलो सन में। सिर्फ आपको ये कैरेक्टर के नाम याद रखने हैं और सिर्फ इसका टाइटल, कोई ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसने लिखा है अमेरिकाना और वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। ये बुक्स लिखी है चिमांडा अडीचे ने। आठ राइटर हमने कर लिए हैं, तो ये आठ राइटर में से पहला जो राइटर है चिनवा एचबी, दूसरा राइटर एनगुगी वो थियोंगो, और तीसरा नाडाइन गोर्डिमर। तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और चौथा वोल्सोयन का, ये चार, और बाकी के चार जो है वो लिस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप उनके टाइटल कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या क्या कमियां थी,
ताकि आने वाली जो वीडियो है उसमें मैं कुछ सुधार कर पाऊं और ज्यादा डिटेल में आपको बता पाऊं। तो आगे हम कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, जर्मन, जैपनीज इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।